मैसेज अपने वो कर दिए ना, पर काट दिए हमारे, फिर भी देखो कटे हुए परों से उड़ान कहाँ जा रही है। देखिए आज के रियल भारत की तस्वीर है, आपका देश कैसे चलता है, इस देश की जनता देश के योगदान में क्या सहयोग देती है, पॉलिटिशियंस कैसे काम करते हैं, मीडिया कैसे काम करती है, करप्शन का लेवल क्या है। तो इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म जो आज के सच्चे भारत के बारे में बताएगी। शायद हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, बट देखिए एज ए फिल्म मेकर हमारा प्रयास होता है सच दिखाना। तो ये बहुत ही सच्चा प्रयास है जो थोड़ी लोगों को तकलीफ देगा, बट ये हमारा वादा है कि लास्ट में आते आते आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा और आप प्राउड से थिएटर के बाहर निकल के कहेंगे कि ये है इंडिया। मूवी की बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस मूवी को लेकर, जो भी सीन दिखाई गया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कंट्रोवर्सी तो देखिए लोगों के पास में बहुत, ये है इंडिया, अगर मैं बोलूँ तो ये है इंडिया। लोगों के पास बहुत टाइम है एक्चुअली, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल फील इट ऑफेंडेड, बिकॉज ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात कही है कि अगर कानून और व्यवस्था एक समान नहीं है तो बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री। बट अगर आप एक देश चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक रूल होना चाहिए, वन रूल वन नेशन। तो एक राष्ट्र बन के अपन आगे आए, ना कि महाराष्ट्रियन बन के महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, राजस्थानी अलग आगे बढ़ रहे हैं, पंजाबी गुजराती सब अपनी अपनी टेरिटरी में लगे हुए हैं। एज एन इंडिया ऑल टुगेदर अगर अपन अराइज होंगे सब साथ में मिलके, तो आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट ऑफ अवर कंट्री। तो दैट व्हाट इट इज बेसिकली, एंड यस कॉन्ट्रोवर्सी इज देयर, देयर इज नो डाउट। पता नहीं कभी सोचा नहीं था जिंदा जलेंगे, पर पुतले तो पुतले जल गए, पुतले जल गए तो जिंदा भी जल गया, फोटो पे क्रॉस, मतलब सरप्राइजिंगली सर अभी मेरे को पार्लियामेंट में यूथ एम्बेसडर फॉर पीस का अवार्ड मिला, मतलब शांति दूत का अवार्ड, और सबसे ज्यादा अशांति हमने ही फैला रखी है अभी। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट पीपल ऑफेंडेड, बट इट्स अ वेरी जेन्युइन अटेम्प्ट एंड यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म। आई थिंक उससे पहले आप ऐसा कुछ भी ना सोचे ना कहें, बहुत बड़ी भूल होगी और आपको बाद में रियलाइज होगा मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा, इनको सॉरी बोलना पड़ेगा, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, पहले फिल्म देखें फिर फैसला लें। रोल देखिए एक NRI लड़के का है जिसका नाम है मिकी, जो भारत में आता है उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, क्योंकि भारत की छवि विदेशों में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो भारत को समझना चाहता है कि एक्चुअली में भारत है क्या। और बाकी बहुत आई फेल्ट प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, रियली वांट टू थैंक द राइटर डायरेक्टर ऑफ माय फिल्म लोम हर्ष। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मैं बोलता हूँ कि अपनी बातें कही हैं, इतनी डेयरिंग, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें कहने, आई थिंक आप में डेयर होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई बहुत कम लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं। तो ये फिल्म भारत की सच्चाई बताती है, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, हर किसी का अपना अपना टेक है। सो मुझे आई फेल्ट प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड बाकी जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस वही एक मुझे एक प्रेशर महसूस हुआ था कि मैं वो बात जो मिकी के थ्रू कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप भारत के अपने देश की बात करते हैं तो बहुत आपको यू हैव टू बी वेरी यू नो सीरियस, व्हाट वर्ड आई कैन से, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो बस वो चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्क था, बाकी एज एन एक्टर जो चीज़ें आपको बॉडी लैंग्वेज ये सब चीज़ें वो इट्स ओके, बट बहुत शॉर्ट टाइम के ऊपर ये मुझे मतलब फिल्म, आई थिंक आई साइंड दिस फिल्म ऑन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड सेकेंड डे वी स्टार्ट द शूट। तो रात को 10 बजे वी टॉक ओवर द फोन एंड सुबह 8 बजे शूट कर रहे थे। आई थिंक शॉर्टेस्ट पीरियड में अगर किसी एक्टर को साइन किया है तो वो, और वो भी टेलीफोन के ऊपर, आई हार्डली नो हिम, तो बट ही इज़ हैविंग दैट कन्विंसिंग पावर। जब इन्होंने थोड़ा सा रिगार्डिंग हिज पैशन आई कम टू नो कि वो जिस तरीके से इन्होंने बताया फिल्म के बारे में, तो दैट वॉज आई थिंक मोर देन इनफ टू से येस टू दिस फिल्म। सो नो रिग्रेट्स, आई फील प्राउड कि हाँ वो मैंने येस कर दिया, बिकॉज समटाइम्स वैन कमर्शियली अगर आप सोचें तो पैसा वैसा बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो तब मैंने ऐसी चीज़ें नहीं सोची थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म, एक रिस्क था बट आई थिंक इट्स गेटिंग पेड ऑफ। नहीं सर, एक राइटर कभी भी ये लिख के नहीं सोचता कि कॉन्ट्रोवर्सी होगी,
आई थिंक कई बार बहुत सारे डायलॉग है सर, अभी तो मैं सरप्राइज हूँ कि एक डायलॉग की ये प्रॉब्लम है जब आप फिल्म में, ये डायलॉग हैवी फिल्म है, मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, उसमें एक मिनिस्टर का बेटा भी मिनिस्टर ही होता है, ये लॉ कब बना था आपके देश के अंदर? तो दिस इज अ स्लैप ऑन पॉलिटिशियंस। आज इस देश के अंदर अगर कोई आदमी, एक एमएलए छोड़िए सर, पार्षद का लड़का भी कॉलर ऊपर करके घूमता है कॉलोनी के अंदर, उसका रुतबा ही अलग होता है अपने दोस्तों के बीच में। तो बहुत सारे इशू है, शायद 50 से ऊपर ऐसे डायलॉग है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ वो 50 डायलॉग ट्रेलर में आ जाते तो फिर पता नहीं क्या होने वाला था कि एक पाकिस्तान के डायलॉग से इतना हो गया। तो इट्स अ डायलॉग हैवी फिल्म। देखिए, जब आप भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो शायद ये डायलॉग्स ये धमाके हैं, जो लोग बैरे हैं, जो जानबूझ के चीजों को इग्नोर करते हैं इस देश में रहते हुए, ये उनके लिए एक आई ओपनर है कि इट्स टाइम टू अवेक। विवेकानंद जी ने भी कहा था, इट्स टाइम टू अराइज एंड अवेक। जब तक आप एज ए इंडिविजुअल अराइज और अवेक नहीं होंगे, तब तक एक देश अराइज और अवेक नहीं हो सकता। और वही इस फिल्म के पीछे पर्पस है। सर, एक छोटी सी बात कहूँगा मैं। एक बाप के दो बेटे थे, किसी बात पे लड़ पड़े, दोनों की डिवीज़न हो गया, दोनों में प्रॉपर्टी बट गई, तो वो लोग भी तो जीते ही हैं। तो आई डोंट नो व्हाई देर इज़ ए हेट अगेंस्ट पाकिस्तान और व्हाई देर इज़ ए हेट अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान। है तो एक ही माँ बाप की औलाद दोनों, तो इन दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी एक शॉर्ट फिल्म थी चिकन बिरयानी 2, उसके लास्ट में डायलॉग ही हमने ये डाला है कि कुछ कदम तू बढ़ा, कुछ कदम मेरे भी हो। नहीं सर, है तो एक ही खून ना। आप अपने नालायक बेटे को क्या मारपीट के भगा देंगे, क्या मर्डर कर देंगे? तो कुछ भी, उनके लिए हम नालायक है, हमारे लिए वो नालायक है, डज इट मैटर? अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, आज इसराइल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, जर्मनी ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में क्या हो रहा है, आपको पता है ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड को अलग दर्जा दिया गया है। ये हर कंट्री की प्रॉब्लम है सर। आपको लगता है आप इंडिया में हो तो इंडिया पाकिस्तान है, हर कंट्री के पास में एक पाकिस्तान बसा हुआ है, तो क्या सब उसी में लग जाए? इतना ध्यान देश की तरक्की के अंदर दोगे तो क्या क्या नहीं हो सकता, आप देखिए। तो आई थिंक जाना ही नीचे, क्यों खून खोलता है? आपके घर में तो आपका बेटा बेरोजगार बैठा, उस पर खून नहीं खोलता आपका, वहाँ खून खोलना चाहिए ना, तो देश का भी भला होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान करके खून खोलवाते रहते हैं, वो अपने उधर बैठे हिलाते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं इस चीज़ का सर। ये है इंडिया सर, ये है इंडिया। बिल्कुल। जी, उसमें अभी वो डायलॉग की बात हम करते हैं तो खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है वो, तो फिल्म के ज़रिए ही वो बोलता है कि यार कहीं मुझे जाना है घूमने या कुछ ऐसा, तो अपना भारत में ही उसका दोस्त बोलता है कि हाँ यार कहाँ पे जाना है, स्विट्ज़रलैंड, कैनेडा, US, तो वैसे उससे पूछता है कि यार वो बात तो छोड़ यार, तो ये बता कि तूने भारत कितना देखा है। तो अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि हमने भारत कितना देखा है, सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर कि आपने खुद ने कितना देखा है। और आपके ज़रिए मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कभी घूमने की कहीं बात करते हैं तो आप सब ने कितना भारत को देखा है? इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। सो ड्यूरिंग दिस फिल्म, जैसे मैंने बोला कि आई फील माई सेल्फ लकी बिकॉज मैंने भारत के अलग अलग कल्चर, बिकॉज हमने 7-8 स्टेट्स में तो शूट की है इसकी, सो इट वॉज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद द पीपल, अलग अलग कल्चर को मैंने जाना समझा, सो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग दिस फिल्म। जी, अब क्या बदलाव आया आपके अंदर? देखिए, वैसे मैं अच्छा, एक अच्छे मोरल वाला इंसान हूँ सर। मैं बताता हूँ आपको, ये नहीं बता पाएंगे। एक दिन हम ट्रेवल कर रहे थे गाड़ी के अंदर, इनके घर के बाहर की बात है, रोड पे जाम लग गया, हम दोनों गाड़ी में बैठे थे कि गाड़ी से उतरे, गए और ट्रैफिक क्लियर करवाने लग गए। मैंने कहा यू सीरियस? और आसपास के लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा था गाड़ी में से, देख यार पीपल स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग हिम व्हाट ही इज डूइंग, और इन्होंने वो पूरा ट्रैफिक क्लियर करवाया। तो आई थिंक एज एन इनिशिएटिव, अब आप इस चीज़ के लिए क्या गवर्नमेंट का वेट करेंगे? ये सवाल हमने मूवी में भी पूछा है कि क्या आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का वेट करेंगे? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम हमारे एंड पे अगर सॉल्व करने लग जाएं तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जैसे चलो इन्होंने ये एग्जांपल दी, तो आई थिंक हर कोई कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा काम कर देता है, बट ड्यूरिंग दिस फिल्म जो आपने क्वेश्चन किया था, तो अब आई वॉज फीलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जब कोई ऐसी छोटा सा भी कुछ बात होती थी गलत या कुछ ऐसा, कभी मान लो कचरा फेंक दिया, एक टॉफी का पन्ना फेंक दिया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और ये है इंडिया।
सो ये छोटे छोटे बदलाव, और रात को सर आप भूल गए, चलो मैं भी आपका बता देता हूँ, वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वी आर गोइंग टू चंडीगढ़, बहुत भयंकर बारिश थी, सदानंद हमारे एक और कलाकार हैं फिल्म के, वो भी साथ में थे, तो हाईवे के ऊपर एक दिल्ली के अंदर ही थे बस आउटस्कर्ट्स के ऊपर, एक ऑटो वाला बेचारा खड़ा है, उसका ऑटो बंद हो गया और पूरा ट्रैफिक, लोग आ जा रहे हैं बिकॉज बारिश है शायद, लोग गालियाँ निकाल रहे थे उसको कि हाईवे जाम कर दिया उसने, कर दिया, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं जी, तो फिर वही एक लोक एक्सचेंज हुई, ये है इंडिया, तो ये और सदानंद बाहर निकले, कहते कि नहीं सर आप बैठो, हम दो बहुत है, तो उसमें मैं नहीं गया, तो ये दोनों बाहर निकले, उसको धक्का लगाया, उसको साइड पे करके आए, और जब कपड़े और भी नहीं थे इनके पास, तो वो बट द एफर्ट जो इस फिल्म के ज़रिए, मतलब वही है कि मन में शायद हर किसी के होती है लेकिन वो करता नहीं है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, हम देख के बोल देते हैं कि यार हाँ ट्रैफिक है, ये है, गंदगी है, बट इनिशिएटिव नहीं लेते उसको, उसको सॉल्व कैसे करें, तो वो सब चीज़ें जो है वो, और सर ऐसे लोगों का जो एक्सप्रेशन होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, पूरे कपड़े भीग चुके थे, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, और जब उस ऑटो को पुश करके साइड में किया, मतलब मेरे को उसके चेहरे पे पानी के अंदर से आंसू अलग नज़र आ रहे थे, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी का चेहरा पूरा बारिश में भीगा हुआ है और उस वक्त वो रो भी रहा है और उसके आंखों में वो आंसू अलग दिख रहे हैं आपको, वो जो फील था ना सर, वो आप कुछ भी दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत दे के भी नहीं ले सकते, और वो जो दुआ निकलती है ना, आई थिंक वही आज देखिए शायद उन्हीं का नतीजा है, यहाँ बैठे हैं इतने अचीवमेंट्स इस फिल्म को लेके, एज ए डेब्यूटेंट डायरेक्टर, इट्स माय फर्स्ट फिल्म, अदर देन दैट मेरे गैबी के 3 प्रोजेक्ट हैं, 26 अवार्ड्स है, पार्लियामेंट में मेरे को यूथ एम्बेसडर फॉर पीस का अवार्ड मिला, तो इट्स वेरी, बहुत जल्दी बहुत कुछ हो गया, और आई थिंक जब पलट के देखता हूँ तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें करी है, जो इंटेंशनली अंदर से निकल के आता है, और देखिए आपकी जेब में 2 रुपया पड़ा है, भिखारी आ गया, आपने 2 रुपया दे दिया, कोई मैटर नहीं करता, आपकी जेब में 10 रुपया पड़ा है, आपको भूख लग रही है, फिर कोई भिखारी आ गया और आपने उसको दे दिया, तो मैटर करता है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आप क्या कर रहे हैं, लोग इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि यार हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं फिर भी परेशान है, तो मंदिर जाना नहीं है, तो पर्पज होता है अपना अपना, आई थिंक एक पर्पज ऑफ लाइफ होना चाहिए इंसान, जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चली सर, मैं सरप्राइज था, सेंसर बाहर आते ही फोन आया, बिकॉज ये पाकिस्तान वाले ऐसे बहुत से डायलॉग्स से मतलब भरपूर फिल्म है ये, बहुत से मुद्दों के ऊपर, इवन जैसे पॉलिटिशियंस के ऊपर उन्होंने बहुत बहुत जो अपने स्टेटमेंट्स दी हैं इन द फिल्म अपने कैरेक्टर के ज़रिए, तो मुझे तो कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी कैंची हुई, तो इनका सबसे पहले फ़ोन आया, पास हो गया सब कुछ, कितने सीन, आई थिंक 2 वर्ड म्यूट करवाए हैं सेंसर ने फिल्म में, जिसमें एक पॉलिटिशियंस को रेफर किया हमने किसी वर्ड से, और एक बड़ा कॉमन सा वर्ड आई डोंट नो वो भी उन्होंने क्यों किया, उससे बड़े बड़े वर्ड्स उन्होंने नहीं कुछ ऑब्जेक्ट किए उस पर कर दिया, बट आई एम सरप्राइज, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे बट आई थिंक जस्टिफिकेशन अगर आपके पास हो तो आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते, तो वी आर वेरी लकी कि वेरी क्लीनली ये फिल्म निकल गई थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर आप पैशनेट हो ना, हिटलर पैशनेट था, इतिहास रच दिया था, तो अगर आप पैशनेट हो ना सर, आपको ये मैटर ही नहीं करता सामने कौन है। आई थिंक मेरा पैशन इनके स्टारडम से ज़्यादा था, इसीलिए आज ही मेरे साथ बैठे हैं, इसीलिए हमने इतने अवार्ड ले लिए। तो अपने पैशन को एग्रेसिव रखो, अगर आपकी फायर है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ दुनिया का बड़े से बड़ा स्टार भी, आप देखिए स्टार कौन है, ये भी तो इंसान है, ये भी खाना खाते हैं, ये भी वही स्किन है, कोई 2 सिर तो इनके है नहीं, 4 आँख लेके ये घूम नहीं रहे। तो अगर मैं श्योर हूँ मेरे को क्या बनाना है, मैं पैशनेट हूँ, मेरे को पता है, मेरा विजन क्लियर है, तो देखिए जो एक्टर होते हैं वो भी सेंसिबल होते हैं, वो भी समझते हैं कि ये मेकर क्या चाहता है, और वही देखिए दाव होता है ज़िंदगी का, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी एक दाव का होता है, शादी के बाद पता थोड़ी लगता है कौन कैसा निकलेगा, तो हर इंसान दाव खेलता है। और मेरी तो जहाँ भी किसी से मीटिंग होती है, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा घोड़ा सामने खड़ा है, दाव लगाना है तो देख लो, तो आई थिंक सबने लगाया आज तक, तो आई होप आगे भी लगाएंगे। 24th May सिनेमाज इंडिया में, प्लीज़ जाएं देखें, ना देख पाएं तो उसके बाद में देखें, ना देख पाएं उसके भी बाद में देखें, देखें ज़रूर, बिल्कुल देखें, और 24 मई को राइट, ये है इंडिया, आपकी अपनी फिल्म है, प्यार दें इसे, और बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से बनाई है, आई थिंक इट्स अ फिल्म फॉर एवरीवन, एंड यू विल लव इट, यू विल लव द परफॉर्मेंस ऑफ गैवी, आई चैलेंज यू, सो गो एंड वॉच द फिल्म। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप कंटेंट के लिए फिल्म देखें, क्योंकि ये है इंडिया में जो बातें कही गई हैं, तो हमारा ये, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेकर्स जो हमारे हैं, मिस्टर लोम सर, इन्होंने इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ मिशन, कि इसके ज़रिए हम चाहे थोड़ा बहुत भी बदलाव ला सके। सो ये है कि अगर हम 100 में से कोई 2-4-5 लोग भी इसको अपना समझ जाएँ, अडॉप्ट कर लें किसी चीज़ को, तो हमारे लिए वो सक्सेसफुल
चीज़ होगी। तो प्लीज़ ये देश आपका है, आपकी फिल्म है, आप बदलेंगे देश बदलेगा। तो आप अपना इस फिल्म को देख के शायद थोड़ा सा एक अपना योगदान डाल सकते हैं। 24 मई को ये है इंडिया। थैंक यू। फोटो ले रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। रुको कर रहे हो? हाँ ये कर रहे हैं। ओके आइए सर। थैंक यू।